सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जितना एक मूर्ख व्यक्ति किसे बुद्धिमानी भरे उत्तर से नहीं सीख सकता, उससे अधिक एक बुद्धिमान एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न से सीख सकता है। किसी को इतना महत्व नहीं देना चाहिए कि वो आपके चेहरे से मुस्कुराहट ही छीन ले। मत करना अभिमान खुद पर ए इंसान, तेरे और मेरे जैसे कितनों को खुदा ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। क्यों भरोसा करता है गैरों पर जब चलना है तुझे अपने पैरों पर। आज का पंचांग 16 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम 6:06 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रोहिणी नामक नक्षत्र रात्रि 11:40 तक रहेगी। इसके उपरांत मृगशीर्षा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:33 से 11:46 तक रहेगा। आज का विजित मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:02 से 12:52 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 16 अप्रैल 2021 दिन शुक्रवार, अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और सबके कहने या कुछ करने की कोई भी परवाह ना करें। इसके स्थान पर आराम से खुद की इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझने की कोशिश करें और उनका विश्लेषण करें ताकि किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंच सके। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके फैसले से ऐसे किसी व्यक्ति को दुख ना हो जो आप पर भावनात्मक रूप से निर्भर है। अगर कोई भूमि संबंधी समस्या चल रही है तो वो आज किसी की मध्यस्थता से हल हो सकती है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी समय व्यतीत होगा और आप मानसिक रूप से सकारात्मक महसूस करेंगी। केवल आपके आलस के कारण आप अशांत परिस्थिति को भी कठिन बना रहे हैं, इसीलिए काम को वक्त पर ही करने की कोशिश करें। परिवार के कुछ लोग पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर हैं, इसलिए उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए आपको ही कोशिश करनी होगी। दिन शुरुआत में काम से संबंधित बातों में प्रगति नजर आएगी, इसीलिए महत्वपूर्ण कामों को पहले निपटाने की कोशिश करें। रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए परिवार का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। स्त्रियों को अपनी सेहत के प्रति जागरूकता दिखाने की आवश्यकता होगी। सावधानियां, बच्चों की परेशानी को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। डांट फटकार द्वारा उनके मनोबल में और कमी आएगी। किसी की भी नकारात्मक गतिविधियों में अपना सहयोग ना दें, अन्यथा आपके मान सम्मान पर आंच आएगी। बात करते हैं लव लाइफ की। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना होने दें। घर की देखरेख और व्यवस्था के लिए भी कुछ समय अवश्य निकालें। आपने अपनी सारी बातें अपने तक ही सीमित रखी हुई थी और समय है कि आप अपने साथी के साथ इसे साझा करें। यदि आपके कुछ रहस्य और डर हैं तो उनका भली भांति सामना करें। आपका साथी बातों को साझा करने में प्रयास करता है और वह आपके स्वभाव की सराहना करेगा। एक दूसरे से अपनी बात साझा करने के साथ अपने रिश्ते को काफी दूर तक आप ले जाएंगे। बात करते हैं करियर की। कुछ परिवर्तन आपके कार्य क्षेत्र में होने की संभावना है। वे पहली बार में हतोत्साही लग सकते हैं, लेकिन जल्दी वे आपके लिए नए अवसर खोलेंगे। लेकिन इस अवसर का लाभ उठाने के लिए आपको साहस और विश्वास की छलांग लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। यह व्यापार आपको जोखिम भरा भी लग सकता है, लेकिन जो आप करेंगे उसमें आनंद आएगा और जल्दी ही इसमें सफल होने की उम्मीद भी रहेगी। अगर कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन लाने का प्लान है तो समय अनुकूल है, परंतु कोई भी व्यावसायिक डील फाइनल करते समय उनके सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य कर लें। अपने टैक्स संबंधित फाइलों को पूरी तरह व्यवस्थित रखें। बात करते हैं सेहत की। आज आप जो भी खाएं उस पर
सावधान रहने की आवश्यकता है। तले भुने और चटपटे खाने से दूर रहें, यह आपका पेट खराब कर सकता है। कोशिश कीजिए कि आप सादा और पौष्टिक भोजन लें। अच्छा, आपको खाने से संबंधित सतर्क रहने की आवश्यकता है। जल्दी आप अपनी पहले जैसे अच्छी सेहत में नजर आएंगे। आज का उपाय, आज आप गरीबों को खास सामग्री का दान करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।